कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ये ना बताने की वजह से आप इम्पैक्ट होंगे, आपके दूसरे बोर्ड मेंबर्स इम्पैक्ट होंगे, तो आप पहले उससे बात करेंगे, उसे समझाएंगे सिचुएशन, क्योंकि लॉजिकल तो ये है ना, यू आर नॉट अ जज बेसिकली, तो आप वहां पे डिसीजन नहीं देंगे, आप कहेंगे भाई मैं पहले जाऊंगा उसको बताऊंगा कि भाई इस तरह है, तुम्हारे इस डिसीजन से ये बाकी मेंबर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में प्रिंसिपली तुम्हें बताना चाहिए, इफ ही एग्री तो ठीक है, अगर नहीं एग्री करता तो बिफोर रीचिंग टू द बोर्ड, अगर आप आईकैप के मेंबर हैं आप आईकैप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई और बॉडी है आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बट इवेंचुअली वो आपको उस सिनेरियो को देखते हुए डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन अगेन बेशक एंड वाला डिसीजन आपका गलत भी हो गया, अगर आपने ये लॉजिकल स्टेप्स फॉलो किए कि उससे बात की है, फिर आपने रेलवेंट इंडस्ट्री से बात की है, पीयर से डिस्कस कर लिया, अगर फार्म का क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है उसमें आपने बात उठा दिया, सफिशियंट इनफ। फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपने हाँ जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन में है, आपकी इंडस्ट्री का कोड ऑफ एथिक्स की भी बात होती है, और आपने कंपनी के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं तो बिल्कुल उसमें भी होगी, वहां पे आपकी विसल ब्लोइंग प्रोविजन होती है, बोर्ड ने कमेटीज बनाई होती हैं, तो आप उसमें रिपोर्ट करेंगे। इज योर बिहेवियर कॉजिंग हार्म फाइनेंशियल और रेप्यूटेशनल, अनरीजनेबल हार्डशिप तो नहीं लेके आ रहे आप, बहुत एक्सटेंसिव आवर्स काम करवा रहे हैं, लेट सेटिंग बहुत ज्यादा है, आप पेमेंट रेम्यूनरेशन आपकी ठीक नहीं है, यू आर एक्सप्लोइटिंग द मार्केट्स, अंडर एज एम्प्लॉयज रखे हुए हैं आपने, इस तरह की चीजें, लीगल वर्सेज एथिक मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी बात होगी अगेन इसमें आपका योर ऑब्जेक्टिव इन बिजनेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि टू इंक्रीज एंड मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, तो आपने ये देखना है कि किसी भी सिचुएशन में आप जो सबसे आपका की स्टेक होल्डर है उसका राइट टू रिसीव द करेक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इंपेयर कर रहे हैं आप, अगेन डू यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, सो इफ यू डोंट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन आस्क फॉर द एग्जामिनर और राइट दैट कि वी नीड फर्दर एविडेंस कोरोबोरेटिंग एविडेंस टू फाइनली रीड इनटू एनी कंक्लूजन। एक्सप्लेन व्हाई इशू इज अनएथिकल, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, यू माइट हैव टू गिव अ वेरी बैलेंस्ड एंड लेंथी आंसर एज वेल, दैट इज अनरीजनेबल हार्म और ब्रीचेस ड्यूटी ऑफ केयर, इज इट अनफेयर टू सर्टन ग्रुप, मिसलीडिंग टू स्टेक होल्डर डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट विद आईकैप कोड ऑफ कंडक्ट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी डिस्पाइट राइट्स टू इंफॉर्मेशन एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर, ये रेपिटेशन ही है, मार्किंग ये रिपीट हो गई है, एग्जाम टेक्निक MSA 2, ऑल क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन द ऑर्डर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की है, 2 और 3 में आप डिसाइड करना होगा आपको एग्जाम हॉल में, नॉर्मली क्या है क्वेश्चन 2 मोर इतना हैवीली वेटेड नहीं होता टुवर्ड्स कैलकुलेशन, तो आप उसे एंड पे कर सकते हो, क्वेश्चन 3 को आप पहले कर सकते हो क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, बट मेक श्योर यू गो, यू आर गोइंग फॉर 100%, 100% इज द की, स्पेंड 25% टाइम ऑन प्लानिंग, स्टॉप एंड थिंक, डू नॉट रीच टू कंक्लूजन, प्लान आउट टास्क रिक्वायरमेंट स्कोप इन थिंग्स एंड स्कोप आउट थिंग्स एंड देन राइट, उसके बाद लिखेंगे कौन सी बात आपने करनी है कौन सी बात नहीं करनी, एम टू आंसर ऑल रिक्वायरमेंट्स, क्लियर शॉर्ट स्टेटमेंट्स, What? What's the issue? Why is the issue? How issue this issue can be resolved? Paragraphing, 2 से 3 बात करें और 1 concept per paragraph. छोटी हेडिंग दे लें, सब हेडिंग दे लें, मेक थिंग्स इजी फॉर द मार्कर, एंड एक्चुअली यू शुड बी इन अ वेरी प्रोफेशनल टोन, वेरी वेरी प्रोफेशनल टोन, मतलब क्या होगा, इट्स मोर लाइकली देन नॉट दैट योर ऑप्शन इज नॉट बी एबल टू सस्टेन, रादर देन जस्ट सेइंग दैट योर ऑप्शन इज रिडिकुलस, ओके मतलब थोड़ा सा कवर अप करके, आई डोंट थिंक सो इट्स मोर लाइकली देन नॉट, इस तरह की बातें करके, हाउ एवर यू शुड गो फॉर दिस थिंग एज वेल, आई मेरे पर्सनल ओपिनियन में आप इसको भी कंसिडर कर लें, ये भी देख लें, वी शुड डिस्कस विद हिम एज वेल, इस तरह की बातें, ताकि वो बंदा फील ना करे कि दैट यू आर डिक्टेटिंग और समथिंग, इस तरह की चीज कर रहे हैं, इंप्रेस द मार्केट इज अ फार मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन ऑफ यू, आप मार्केट को इंप्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे, आपको नंबर्स मिल जाएंगे, इंक्लूड नंबर्स एंड एक्सप्लेन दैट, वो नंबर्स यहाँ पे थोड़े होंगे तो यू शुड यूज किसी नंबर को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें,
मैं आपको बताऊं नंबर्स यहाँ पे थोड़े होंगे, तो जो नंबर दिया हुआ है ना उसको आपने यूज करना, मेक श्योर दैट, डू नॉट अज्यूम दैट दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, रेशियोज हैं उनको एक्सप्लेन करें विद रेफरेंस टू इंडस्ट्री, एक्सप्लेन करें मेयरली, डू नॉट स्टेट दैट कि ये बढ़ गई हैं, ये कम हो गई हैं क्योंकि सेल बढ़ गई हैं, इस तरह नहीं बात करें, लिंकेजेस करें, यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, ऑलवेज गो फॉर द बिग पिक्चर एंड प्रायोरिटाइज योर आंसर, जो छोटी इमेटेरियल चीजें हैं उसको इग्नोर कर दें, इमेटेरियल वेरियंसिस को इग्नोर कर दें, अननेसेसरी पॉइंट्स जो कि वो ऑलरेडी कंक्लूड कर चुका है डू नॉट गो फॉर दैट, शो दैट यू हैव अप्लाइड जजमेंट, स्केप्टिसिज्म, प्रोज एंड कॉन्स लिखें, उसे बताएं कि भाई इसका ये बेनिफिट है, ये इसका नुकसान है, ये इसकी इवैल्यूएशन है, हमें ये करना चाहिए, ये हमारा स्ट्रेटेजिक फिट है या नहीं है, क्या हमारे गोल और विजन के साथ ये अलाइन करती है नहीं करती, इंपॉर्टेंट चीज है गोल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, गोल कॉन्ग्रुएंसी क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट का और आपकी कंपनी का गोल सेम होना चाहिए, अगर आपके गोल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो क्या होगा, एक डिस्ट्रस्ट और फ्रिक्शन आ जाएगी आपकी कंपनी में, मैनेजमेंट कुछ और चाहती होगी, कंपनी के शेयर होल्डर कुछ और चाहते होंगे, तो वो राइट डायरेक्शन में कभी भी नहीं जा सकती, इसी वजह से वो कहते हैं कि जो रिम्यूनरेशन होनी चाहिए शुड बी लिंक टू प्रॉफिट और ईपीएस और समथिंग लाइक मार्केट प्राइस, ताकि कंपनी भी ऊपर जाए और साथ साथ मैनेजमेंट भी ऊपर जाए। फाइनल प्रिपरेशन, अब आपने क्या करना है, यू शुड गो फॉर एज मच एज क्वेश्चन यू कैन, उससे आपको रीडिंग एंड एसिमिलेशन की स्किल इंप्रूव होगी, प्रैक्टिस करें जितनी कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक इज द फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट फॉर यू, उसके बाद अपनी बुक पे जाए, ऑब्वियसली कैलकुलेशन नंबर्स देखने के बाद, ठीक है, वो क्वेश्चन बैंक में कोई चीज ऐसी आई थी जो आपको लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत है, वो रेलिवेंट टॉपिक खोल लें वहां से पढ़ लें उसको, माइंड मैपिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि माइंड मैपिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट की टू डिमेंशन सीखने के लिए कि आपने पढ़ना किस तरह, प्लान योर आंसर, प्लान योर आंसर, प्लान योर आंसर, इसके वजह से आप इसके बगैर नहीं कर सकेंगे आप, एंड यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेनेशन वुड बी द की, क्या आप उसे बता, ही शुड फील एट होम कि भाई वो आगे वहां किसी बिजनेसमैन को राइट कर रहा है, यू शुड डिपिक्ट सम बिजनेस टेक्निकल जार्गन अकुमन, और ये ना बात करें कि वो कहीं और जा रहा है, आपके सिंपल कंपनी बंद कर दें, वो कहेगा भाई मेरे पैसे लगे हुए हैं, आप क्यों कैसे 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 नहीं कंपनी बंद कर दें, अगेन डू एट लीस्ट 3 पास पेपर्स इन 3.5 आवर्स, प्लीज डू दैट फॉर MSA 1 and 2 बोथ। अगेन इसमें भी मेरा एक था आपसे करूंगा बट हमारे पास डोंट से दैट मच टाइम, Q&A जी यार ये दो पेपर है वो दीज आर कह सकते हैं कि ICW का तुरंत इम्तियाज कह रहे हैं कि उनके हैं, तो उसके अलावा आप जहीं भी जाएंगे आप अपना मेरे हमें टाइम थोड़ा सा ना आपके पास टाइम नहीं है फिलहाल, ICAP में मसला है कि हमारे पास सिर्फ 3 पेपर्स हैं अभी, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, वेरी गुड इनिशिएटिव, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने वो थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना चाहता है ICAP, और ये मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, और आप खुद भी फील करेंगे इन पेपर्स के बाद आपको एक लेवल्ड अप महसूस होगा कि यार हाँ भाई अब हम एक लेवल्ड अप हैं। और उसके बाद आपके पास एक पूल का टाइम और है 40-45 मिनट्स का जिसमें आपको बिजी कर रहा था आपकी क्वेश्चन अगर मैं मार करूं और क्वेश्चन वन अगर आप नहीं परफॉर्म करेंगे उसमें मैं वो बताता हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है आप एक ना रिस्क अवर्स सिचुएशन में चल रहे हैं ठीक है आप रिस्क कवर करना चाह रहे हैं बट मसला ये नहीं है मसला ये है कि ये बेसिकली स्किल क्या है इंटीग्रेटेड स्किल है तो अगर वो मेरा जो एक
मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, क्लासिकल इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर रहे, समझ रहे? हो सकता है आपके पास टाइम हो जाए, आप क्वेश्चन टू थ्री करके भी क्वेश्चन वन पे आ जाए, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना इस डीलिंग के साथ, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो पाएगा। आप क्वेश्चन टू और थ्री कर लेंगे बट दैट द एक्सपेंस ऑफ क्वेश्चन वन। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन वन अच्छा करें, टाइम में करें, उसके 15 मिनट रीडिंग के उसमें यूटिलाइज करें। आप एक्स्ट्रा 15 मिनट दे रहे हैं क्वेश्चन वन को, छोड़ना उससे भी आपने टाइम पे ही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि 15 मिनट है वो आप फोकस करके क्वेश्चन वन पढ़ें बस, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस 15 मिनट में क्वेश्चन वन भी पढ़ लें, क्वेश्चन टू भी पढ़ लें, क्वेश्चन थ्री भी पढ़ लें, फिर आपको जब शुरू करें तो आपको कुछ भी याद ना हो, फिर आप दोबारा जब एग्जाम शुरू हो दोबारा जब आगे 3 घंटे 30 मिनट शुरू हो रहे फिर दोबारा क्वेश्चन वन पढ़े, वो सीरियसली खराब कर दे। वो एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने हर रिक्वायरमेंट नए पेज से शुरू करनी है, और वाइट स्पेस इज द की, जितनी आप वाइट स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ्स, नॉट बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द पैराग्राफ्स। लेकिन आपकी अप्रोच ही ठीक है, आप चाह रहे हैं कि जो नैरेटिव है, जो पार्ट बी एस ई है, डी एस ई है, जिसमें थ्योरी लिखनी है, वो मैं बाद में कर लूं, लेकिन अगेन आई वोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि आप उस माइंड फ्रेम में हैं, वो चल रहा है दिमाग आपका, आप उधर लिखो फिर आप आगे। बट जैसे ही आपका टाइम पूरा हो रहा है क्वेश्चन टू पे आ जाओ प्लीज। हाँ जी, पहले होता था 2011 में। अब उसके लिए कुछ हर सब्जेक्ट के बीएमपी के बाद वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने बैचलर की बात की तो बैचलर का रैपर लेने के वजह से वो सारी हेडिंग देते हैं, आप ये लगेंगे बैचलर है। हाँ, तो इसके लिए कुछ बजवर्ड्स या जो ऐसा मटेरियल जो आपको हेल्प कर सके वो हम कहाँ से पिक करें? ठीक, बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको याद होगा ना बीएम का जो था पेपर आई कैप का, उसमें भी वो कहता था मेरे से, आप जनरल कमेंट होता था कि यार आप मेरे से बात करें बिजनेस टर्मिनोलॉजी में। सपोज अगर आप कह रहे हैं कि कंपनी की रिस्क प्रोफाइल, आप ये ना लें, लिखेंगे जी कंपनी की रिस्क कैपिटाइट कितनी है, उसे फील आएगा एग्जामिनर की क्वेश्चन है। तो वो जो आपका नॉलेज बीएम का डेवलप हो चुका हुआ है ना, वो सफिशियंट है टू आंसर एमएसए 2, मोर देन सफिशियंट। अभी आपकी सिंगल मोस्ट प्रायोरिटी है कि क्वेश्चन बैंक करें। अगर आप क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपने जो पढ़ना पड़ा, क्वेश्चन बैंक में जो कॉन्सेप्ट आपको लगा है कि रिपीट हो रहे हैं उसको बुक से पढ़ लें, अगर आपको समझ नहीं आ रही उसको बुक से पढ़ लें, बट क्वेश्चन बैंक इज योर बाइबल फॉर एमएसए 2। स्किप करनी है आपने, ये क्या है इसमें? इसका मैं आपको ना, इसका मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। आई हैव दैट, मतलब इसमें यह है कि आपने डिपेंड करना कि आपकी कितनी आप लेके आ सकते हैं, कॉमन कॉस्ट अवॉइड कर सकते हैं, कितना लोकल नॉलेज चाहिए, कितनी आप एक पूल के तौर पे फाइनेंशियल अरेंज करेंगे, तब आपको देखें ऐसा ग्रुप फाइनेंसिंग लेगा तो ऑब्वियसली कम पड़ेगी। ट्रेजरी जो हेड ऑफिस ट्रेजरी होती है, जो सेंट्रलाइज ट्रेजरी, उसको ये फायदा होता है। अगर आप अपनी हर बंदा अपनी अपनी ट्रेजरी अरेंज कर रहा है या अपना अपना फाइनेंसिंग ले रहा है, वो कॉस्टली हो जाएगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोसेसिंग कॉस्ट, वो डिफरेंट चीज़ें। उसका मैंने ये किया हुआ है कि एक है चीज़ अवेलेबल, उसमें ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक बाइंडेड फॉर्म में है, वो आपको मिल जाएंगी, वो मिल जाएंगी। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसका एक ना थ्योरी का है वो बाइंडेड फॉर्म में। क्या
नहीं, आपने अभी तक देखा होगा क्वेश्चन, आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? किसी क्वेश्चन में आप स्टक हुए एमएससी 2 में? मेरा नहीं ख्याल हुआ। आप लेकिन वो वही बात जब उन्होंने रेफरेंस दिया था ना, जब क्वेश्चन आ गया एज इट इज प्रकार के, जब कारण भी आ गए तो बड़ी हुई। हाँ खोलने से वो जनरल इंक्लाइनेशन है आपकी वो भी खोलने की, बट कैन यू टेक दैट रिस्क? अच्छा आपने पढ़ा हुआ है आप उस माइंड, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है अगर आप वो उधर कुछ और बातें की हो, आपने कुछ उसको क्या पता उसने आपको उधर एक कैरेट दी और आप चल पड़े उस तरह, पता चला जनाब वो तो आंसर ही उल्टा हो गया। हाँ मेरे ख्याल में आप जरूर है, इट्स वर्थ द रीड, बट यू शुड नॉट फॉलो दैट, आप उसे ना लिखें। बट एक ऑब्वियसली आ गया जनाब के, उसने जिसने अभी ट्रेजरी मैनेजमेंट की ना, 8 से 10 बेनिफिट हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के, अगर वो आ जाते हैं इफ यू आर लकी इनफ। बुक में हाँ वो नहीं है, मैं आपको बताया तो बुक्स का बताया हूँ, आप ऑब्वियसली जो आई कैप ने रिकमेंड किया हुआ है, जो दूसरा इंस्टीट्यूट है उसकी बुक लेके जाए, उसका मैं ना बता देता हूँ एक है एंड डू दैट। तीनों बुक्स हैं ऑब्वियसली, किट की जरूरत, किट लेके जाएं अच्छी बात है। बीएफडी की जो आपकी बुक है जिसने आपने पढ़ा हुआ, जिसने आपको याद है, जो आपकी आंखों के सामने से गुजरी हुई है, उसको जरूर लेके जाएं। मैं एक बुक रिकमेंड करना चाह रहा हूँ आपको, अगर यू कैन डू दैट, बीपीपी की बुक है F90। बट उसका एक और सोल्यूशन है कि आप उस बुक को अवॉइड करने के बजाय एक नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, मतलब जिसमें टैक्सेशन की भी चीज़ें हैं, सीसीजी की भी चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं और रेलिवेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नोट्स भी हैं, अगर आपको बुक भी चाहिए तो बाद में कर लेता हूँ। मेरे पास नहीं है, मैं आपको बता दूँगा। जी एथिक्स नहीं, अब आप लोगों का वो लेवल, अगर मैं बता रहा हूँ आपको बात याद रखिएगा, मेरी एमएसए 2 के लिए अगर आपको बुक खोलनी पड़ेगी तो ये नहीं होना चाहिए। आपने कभी अभी तक वन गो में बैठ के पूरा पेपर लिखा? लिख ले एक दफा प्लीज, बजाय इसके कि पूरी 100% तैयारी शुरू करने से पहले ना एक दफा बेशक देख के लिख ले। कितने को ज्यादा हो उसके लिए एक बुक है, एक्सपेंस आउट करोगे आप, लेकिन वो है उसमें, वो है मतलब जी ऐसे जो टैक्सेशन का टॉपिक है यहाँ पे एमएससी में, वो टैक्सेशन हमारी सिंपल टैक्सेशन प्रिंसिपल्स होंगे या उसकी एप्लीकेशन रिगार्डिंग टैक्स रेट कितना होगा, कितने परसेंट ये चीजें होंगी, वो सारी होंगी? तो एक्ट तो चेंज होते रहते हैं, टैक्स बोलते थे पढ़ा था तो याद नहीं है कितने परसेंट रेट क्या थे। मैंने यही बताया कि जो आपकी टेस्टिंग ऑफ टैक्सेशन होगी वुड बी अराउंड टैक्सेशन ऑफ सोर्स इनकम की, उसकी टेस्टिंग उसकी बात होगी, रिमिटेंस की बात होगी और ऑब्वियसली उससे रेलेवेंट आपको परसेंटेजेस अगर नहीं भी याद बट ट्रीटमेंट याद होना चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट तो सर वो सिंपल जो ट्रांजैक्शन ट्रीटमेंट आपका टैक्स जो प्लानिंग के लिए यूज होता है वो ट्रीटमेंट तो ठीक है, लेकिन परसेंटेजेस पे बात कर रहा हूं कि स्पेसिफिक परसेंटेज तो चेंज हो जाती है ना हर फाइनेंसिंग में। हां आप बात कर रहे हैं बिकॉज़ हो सकता है कि इंपॉर्टेंट चीज है टैक्सेशन क्यों इंपैक्ट करता है, हो सकता है कि आपका एक ऑप्शन में आपका टैक्सेशन कम हो लेकिन उसका आईआरआर ज्यादा हो, सॉरी एनपीवी उसकी कम हो लेकिन आफ्टर टैक्सेशन वो वाइस वर्सा हो जाए, ठीक है? तो इसलिए परसेंटेजेस आपको पता होनी चाहिए क्योंकि शेयर होल्डर के लिए तो आफ्टर टैक्स अमाउंट है जो कि रेलेवेंट है। ठीक है सर।
जी, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, सपोज आपने रिक्वायरमेंट खत्म कर ली, अब हर पेज हर रिक्वायरमेंट आपने नए पेज से कर ली है, तो न्यू पेज से करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आपके पास हेडरूम होगा ना, थोड़ा सा दरमियान में नहीं। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आंसर द रिक्वायरमेंट, अगर उसने रिपोर्ट पूछी है लेआउट रिपोर्ट का दे, अगर उसने मेमो पूछा है लेआउट मेमो का दे, अगर उसने ईमेल का रिप्लाई मांगा है ईमेल का रिप्लाई दे, अगर उसने एनेक्सर्स मांगे हैं तो मेन बॉडी देके एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 एनेक्सर 3 लिखे, जो उसने पूछा है उसके क्वेश्चन सेट को आंसर करें। इंपॉर्टेंटली आपका ये तकरीबन 4 घंटे पौने 4 घंटे का पेपर है टोटल, ठीक है, तो यू वुड बी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। चॉकलेट साथ रखिएगा अपने, ठीक है, चॉकलेट साथ रखिएगा प्लीज, खा के भी जाइएगा और साथ रखिएगा, क्योंकि वरना आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा, कुछ पेपर दे के डाउन हो जाएगा, कुछ उसके नंबर दे के डाउन हो जाएगा और कुछ इतने घंटे बैठ के डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो शुगर लेवल के लिए अपने चॉकलेट्स वगैरह जरूर लेके जाएं, सेब वगैरह वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपने एक्टिव रहना है। एमएसए 2 आपका 80% पास होगा एग्जाम हॉल में इंशाल्लाह, तो उसके लिए एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अच्छी स्लीप, आप सोए हो पूरा फ्रेश हो, एग्जाम हॉल में जाएं आंसर करें। छोड़ दें बॉडी में आंसर कम कर दें, एंड पे कंक्लूड जरूर करना, कंक्लूजन के नंबर है, कंक्लूजन के नंबर कंक्लूड जरूर, आप बॉडी कम कर दो कंक्लूजन पे आ दो। नहीं मैं बात कर लूंगा एक बार, सब आपको दे देंगे प्रिंट आउट से कुछ कर देंगे, अभी नहीं है। आप लोगों की हुई हुई है रजिस्ट्रेशन तो वो फिर आपको कर देंगे ईमेल जो भी करना हो। अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे ये ईमेल कर दीजिएगा, माय ईमेल आईडी इज, या आपने नाई साहब से आप ना मेरा नंबर ले दीजिएगा अगर आपको किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। आई गेस दैट्स ऑल, तो बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के, अल्लाह करे लास्ट अटेम्प्ट हो और फिर आपको इंशाल्लाह आई कैप की सेरेमनी में ही देखें, ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू।